हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज है दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें मैं प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का मौका दूंगा, टाइम दूंगा। इसमें आपको आंसर करना है, उसके बाद में मैं आपको आंसर भी बताऊँगा और लास्ट में अपना स्कोर आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है रिवीजन पर्पज़ के लिए ये सीरीज़। तो इस सीरीज़ को दोस्तों, इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियो आती हैं उसको आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर करते हुए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है ये आपको बताना है। ये बताया गया दोस्तों 29 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी दोस्तों माय हर्ट योर हर्ट। नेक्स्ट, हाल ही में 7वें विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? 7वें विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2019 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ दोस्तों मुंबई में, महाराष्ट्र में। क्लियर है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते जाइए। अपने आंसर में दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस नंबर जरूर डालिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की बैंक ने गुरु नानक देव की जयंती पर स्मारक सिक्के जारी किए? किस देश की बैंक ने जारी किए हैं? दोस्तों नेपाल की, नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने गुरु नानक देव की जयंती पर स्मारक सिक्के जारी किए हैं। नेक्स्ट है, विश्व रैबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रैबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। आपको पता होगा लुई पाश्चर जी का देहावसान हुआ था 28 सितंबर को, इसी वजह से मनाया जाता है। लुई पाश्चर ने ही रैबीज के टीके की खोज की थी। क्लियर है? जो लोग पहली बार इस सीरीज़ की वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों, उनको मैं बता दूं कि पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप हमारे डिटेल में डेली करंट अफेयर की वीडियो को देख सकते हैं। ये वीकली करंट अफेयर है, इसमें मैं आपका टेस्ट लिया करता हूँ। हफ्ते में एक बार उस वीक का टेस्ट लेता हूँ, तो इसमें मैं आपको केवल शॉर्ट डिटेल लेता हूँ, सिर्फ थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ ही देता हूँ। तो इस वजह से अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग डेली करंट अफेयर की वीडियो को जरूर देखा करो। रोज़ाना मॉर्निंग में 4 AM से 5 AM के बीच में अपलोड होती है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने कहाँ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का कहाँ से सफलतम परीक्षण किया है? तो अगर आपने बी ऑप्शन लगाया है चांदीपुर उड़ीसा, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक ये आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? मुंबई में। ठीक है, महात्मा गांधी फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें टॉप पर है दोस्तों केरल, और लास्ट में है सबसे उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में। अच्छा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है उपाध्यक्ष वर्तमान में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में तो किसने खोला है? SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, रशियन ग्रांप्री 2019 की Formula 1 रेस किसने जीती है? रशियन ग्रांप्री तो इसको जीता है दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने। ये ऑप्शन अगर आपने लगाया तो बिल्कुल करेक्ट होगा। रशियन ग्रांप्री इस बार की इनकी 9वीं जीत थी लुइस हैमिल्टन की, इस साल की। ठीक है, 9वीं बार जीते हैं। और Formula 1 पर मैंने ट्रिक वाइज आपको वीडियो दी हुई है, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग अभी तक जितने भी Formula 1 के रेस हुए हैं सबको बिल्कुल एक स्टोरी के माध्यम से याद रख सकते हैं बहुत ही ईजिली। नेक्स्ट, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के महानिदेशक कौन बने? PIB के महानिदेशक तो ये बनने हैं KS धतवालिया। अच्छा, आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं विजय कुमार चोपड़ा, ये PTI के बने हैं अध्यक्ष। किसके? PTI के, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? तो किसने जीता है? जापान के केंटो मोमोटा ने। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जय भगवान बोरिया को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित हुए ATP टूर्नामेंट किसने जीता है?
ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी, यहाँ पर ATP टूर्नामेंट हुआ था जिसको जीता है सुमित नागल ने। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला पत्रकार को मीडिया अवार्ड के सबसे शक्तिशाली महिला का अवार्ड दिया गया, तो किसे दिया गया है? कल्ली पुरी को। ठीक है, कल्ली पुरी, ये इंडिया टुडे जो सुने होंगे आप लोग, इंडिया टुडे न्यूज़ जो होता है इसकी ये वाइस चेयरपर्सन है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के स्वरूप में मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, इस बार महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती थी, इस बात को आपको याद रखना है। और इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी महात्मा गांधी जी पर, उनके जीवनी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें मैंने कवर किए थे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? नोएडा में। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज कराए हैं कई बार। नेक्स्ट, 3 अक्टूबर 2019 को किस देश की प्रधानमंत्री ने 4 दिवसीय भारत यात्रा की? अभी आज की ही वीडियो मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना जी हैं, अभी आई थी ये 4 दिवसीय भारत यात्रा पर। ठीक है, और इनको एक अवार्ड भी मिला था कुछ दिन पहले। कौन सा अवार्ड था? डॉक्टर अब्दुल कलाम मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य पूर्णतया विद्युतीकृत राज्य बना? तो अभी हाल ही में कौन सा बना है? तेलंगाना बना है। ठीक है, सौभाग्य योजना के तहत। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ड्राई डॉक का उद्घाटन किया? भारतीय नौसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ड्राई डॉक का उद्घाटन तो किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हमारे रक्षा मंत्री हैं ये। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? संदीप शास्त्री जी ने लिखी है। ठीक है, आप लोग शास्त्री शास्त्री से रिलेट कर सकते हैं, इस वीडियो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बापू जिंदा है कार्यक्रम के लिए यूनेस्को ने किस चैनल के साथ साझेदारी की? तो 2 अक्टूबर को दोस्तों यूनेस्को ने दूरदर्शन के साथ साझेदारी की थी बापू जिंदा है कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने गांधी जी की 150वीं जयंती को चिन्हित करते हुए स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो किसने जारी किया है? फिलिस्तीन ने जारी किया है। किसने? फिलिस्तीन ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती थी इस बार, तो उनके उपलक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें आई हैं पॉइंट में, चर्चे में, जैसे कि बापू जिंदा है कार्यक्रम ये ले लीजिए, उसके बाद फिर स्मारक डाक टिकट कोई जारी किया है, कोई पत्र जारी किया है, कोई कुछ जारी किया है, तो इन सबको मैं उस एक वीडियो में कवर करके आपको दे दूँ। क्या ख्याल है आपका? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, भारत और नीदरलैंड अतीत वर्तमान और भविष्य नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो वीनु राजमौनी ने किया है इसका विमोचन। ठीक है, इस पुस्तक को लॉन्च किया है वीनु राजमौनी ने, भारत और नीदरलैंड अतीत वर्तमान और भविष्य। वीनु राजमौनी जो हैं ये नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं। नेक्स्ट है, नेपाल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? नेपाल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक लगाने वाले तो पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पारस खड़का। कौन? पारस खड़का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ आरोग्य मंदिर नामक मोबाइल अस्पताल का उद्घाटन किया? इसको भी मैंने आज की करंट अफेयर में बताया था, तो कहाँ पर किया है? वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस भारतीय शास्त्रीय गायक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड का नाम रखा है? पंडित जसराज जी का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में श्रीनगर के किस फुटबॉल क्लब के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री को बाफ्टा पुरस्कार में नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? रियल कश्मीर FC। ठीक है, रियल कश्मीर FC। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भौतिकी के वैज्ञानिक को MP बिरला मेमोरियल अवार्ड दिया गया? तो किसे दिया गया है? थानू पद्मनाभन को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? दिल्ली से कटरा चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, कटरा जम्मू कश्मीर में है माता वैष्णो देवी जी के पास, तो किसने दिखाई है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का अनावरण किया? अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल,
हिंट दे दूं आपको, 15,000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल है मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है, चाइना ने लॉन्च किया है, नाम क्या है, डोंग फेंग 41, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डोंग फेंग 41। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द टेक विस्परर किसके द्वारा लिखी गई है? AI बेस्ड ये पुस्तक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पर इसमें दिया गया है डिटेल में, जसप्रीत बिंद्रा जी ने लिखा है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? IMF का कार्यकारी निदेशक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो सुरजीत भल्ला को बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, IMF की जो अभी हाल ही में अध्यक्ष भी नियुक्त हुई हैं, कौन नियुक्त हुई हैं? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, हाल ही में किसने BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति से इस्तीफा दे दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के क्रिकेट सलाहकार समिति से इस्तीफा दे दिया किसने? कपिल देव ने, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे प्रभावशाली स्वच्छता अम्बेसडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी रेलवे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा स्टेशन है? तो कौन सा स्टेशन है? जयपुर, राजस्थान का, ठीक है, जयपुर को हम लोग गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी बैंक ने एक्सप्रेस FD लॉन्च किया? एक्सप्रेस FD तो किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। दोस्तों, जो भी चीज़ें आती हैं करंट अफेयर में, उससे पुरानी जो चीज़ें रहती हैं उनको मैं रिवाइज़ कराते चलता हूँ डेली करंट अफेयर की वीडियो में। तो इन सब क्वेश्चन को मैंने बहुत बार आपको रिवाइज़ कराया है, अगर आप डेली करंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे तो निश्चित ही आज आप 100% स्कोर करेंगे इस वीकली करंट अफेयर के क्विज़ में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हैबिट बनाइए, रोज़ाना मॉर्निंग में आप लोग टाइम दीजिए 15 से 20 मिनट का, और डेली करंट अफेयर की वीडियो ज़रूर देखे कीजिए। नेक्स्ट, पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो कौन बना है? राजस्थान। अब इसको मैंने आपको ऐसे याद कराया था कि राजस्थान जो है ये जैव ईंधन पर नीति लागू करने वाला, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है, उसके बाद मॉब लिंचिंग पर कानून लाने वाला ये दूसरा राज्य बना है, और उसके बाद पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला ये तीसरा राज्य बना है, ठीक है, तीसरा राज्य बना है, इससे पहले महाराष्ट्र और बिहार भी लगा चुके हैं बैन। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? SK घोटिया जी, टी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मैंने आपको बताया था BS धनोआ रिटायर हुए, फिर RKS धनोआ बन गए वायुसेना के प्रमुख, HS अरोड़ा प्रमोट होकर बन गए उप प्रमुख, और SK घोटिया प्रमोट होकर बन गए दक्षिण पश्चिम वायु कमान के नए कमांडर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ऊर्जागिरी अभियान लॉन्च किया? ऊर्जागिरी अभियान तो किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया है। किसने? उत्तराखंड ने। अगला है, किस राज्य सरकार ने मो सरकार का शुभारंभ किया? मो सरकार बहुत ही इजी है और इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उड़ीसा ने शुरू किया है, ठीक है, उड़ीसा ने मो सरकार का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, देश की पहली निजी ट्रेन कौन सी है जिसे हाल ही में दिल्ली से लखनऊ के लिए हरी झंडी दिखाई गई है? तो कौन है वो? तेजस एक्सप्रेस है। कौन सी? तेजस एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है, ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए? ग्रीस में भारत के अगले राजदूत अमृत लुगुन। कौन? अमृत लुगुन। नेक्स्ट, हाल ही में IL इंडिया लिमिटेड OIL के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? सुशील चंद्र मिश्रा जी बन गए हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, देश की पहली निजी ट्रेन कौन सी है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए इसमें तेजस एक्सप्रेस होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अभी आपको पता होगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 7 मुख्य न्यायाधीशों को नया नियुक्त किया था, ठीक है, और इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को जरूर देखिएगा, सभी राज्यों के न्यायाधीश कौन हैं, सभी हाईकोर्ट के, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन की, लिंगप्पा नारायण स्वामी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट लगाया है, रविशंकर झा जी जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इन्हें हरियाणा और पंजाब का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, इंद्रजीत मोहंती को राजस्थान का, और JK माहेश्वरी को दोस्तों आंध्र प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? एनिमल डे।
तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, आज की वीडियो में मैंने बताया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने यू कैश, डिजी लॉकर और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? यूको बैंक। यू कैश से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, यूको बैंक। नेक्स्ट, सदी के महान दार्शनिक कृष्णा कादकोडी का निधन कितने वर्षों में हो गया? तो मैंने इनके बारे में बताया था कि इनको सिक्के वगैरह बटोरने में बहुत ज़्यादा शौक था इनका, इनके पास सभी प्रकार के सिक्के अवेलेबल रहते थे। 102 वर्षों की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, विश्व अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर डे। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 अक्टूबर को, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली, तो कौन बन गई हैं? हरमनप्रीत कौर, T20 की ये कैप्टन भी हैं, ठीक है। अच्छा, मिताली राज से भी रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि 20 साल से ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला कौन बन गई हैं, तो मिताली राज बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आपूर्ति के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? प्रकाश नाम का, ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपका करंट अफेयर का तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपके जीके जीएस को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दूँगा, ठीक है। अब जीके जीएस को पूरा कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है करंट अफेयर के थ्रू, लेकिन मैं करंट अफेयर के थ्रू जितनी चीज़ें रिलेट कर पाता हूँ उतनी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें रिलेट करके भी आपको याद करा देता हूँ, स्टैटिक जीके जीएस का भी। तो इस वजह से डेली करंट अफेयर की वीडियो, मंथली करंट अफेयर की वीडियो और वीकली टेस्ट, ये सभी आप लोग दिया करो। और मंथ के एंड में जो मैं ईबुक लॉन्च करता हूँ उसको भी जरूर रखा करो, क्योंकि अगर आप 6 महीने बाद आपका कोई एग्ज़ाम होगा तब आपके पास क्या रहेगा, तब आपके पास वही ईबुक काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2019 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में मल्लिका अर्जुन राव को किस बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया? मल्लिका अर्जुन राव, तो ये बने हैं पंजाब नेशनल बैंक के, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में इस खिताब को जीता है मेजर अब्दुल कादिर खान ने। किसने? मेजर अब्दुल कादिर खान ने, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में अमर एस लक्ष्मी नारायण को टाटा ग्रुप की किस कंपनी का MD बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? तो टाटा ग्रुप की, टाटा कम्युनिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? करंट टाइम के वर्ल्ड कप के विजेता टीम के खिलाड़ी बेन स्टोक, इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, ठीक है। इंग्लैंड करंट टाइम की वर्ल्ड चैंपियन है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR वाहन मित्र लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आपको बताया था मैंने कि YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पर। किस पार्टी की? YSR कांग्रेस, ठीक है। पूरा नाम है उस पार्टी का YSR कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं। नेक्स्ट, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2019 का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया है? हमारे जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, अजीत डोभाल जी, इन्होंने किया है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने HDFC बैंक के प्रगति रथ का शुभारंभ किया है? HDFC बैंक के प्रगति रथ का शुभारंभ किसने किया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर जी ने। नेक्स्ट, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने हैं, आज की भी वीडियो मैंने आपको बताया था, विजय पाटिल बने हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। रूपा गुरुनाथ जो ए ऑप्शन में दिख रही है, ये बनी है तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष, और भारत के किसी भी स्टेट की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष पद पर भी पहली महिला अध्यक्ष यही है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों, रोजर विन्नी को कर्नाटक का और मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ शुरू हुआ? कहाँ शुरू हुआ? ये मुंबई में, ठीक है। और मुंबई में ही ये पहली बार इंडिया में NBA का भी आयोजन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने रेपो रेट घटाकर कितना कर दिया है? रेपो रेट तो घटाकर कितना कर दिया है? 5.15%, ठीक है। पहले 5.40% था। रेपो रेट क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट,
हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो किसने की है? इक्वाडोर ने। किसने? इक्वाडोर ने। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? अभी अभी मैंने आपको बताया, कर्नाटक के कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। हैदराबाद के मोहम्मद अजहरुद्दीन। विजय पाटिल मुंबई के। रूपा गुरुनाथ तमिलनाडु की। नेक्स्ट, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आपूर्ति के लिए किस पोर्टल को शुरू किया? ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, डी ऑप्शन प्रकाश इसमें करेक्ट होगा। होता क्या है दोस्तों, ये लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन होते हैं और एक साथ सबको मर्ज करने में थोड़ा इधर उधर रिपीट हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कैटरीना जॉनसन ने दोहा में हो रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप में हेप्टाथलान में कौन सा मेडल जीता? हेप्टाथलान मैंने आपको बताया था 7 प्रकार के इवेंट होते हैं, इसमें कौन सा मेडल जीता है उन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इनका ये पहला मेडल था करियर का। नेक्स्ट, हाल ही में किस जगह पर पहला खेल विश्वविद्यालय बनेगा? तो ये मणिपुर में खोला जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दिल्ली में अभी हाल ही में दिल्ली का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन चर्चे में आए थे, इस वजह से मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली में दिल्ली का पहला, और देश का अगर पहला पूछा जाए तब आप बताएंगे मणिपुर में, क्योंकि वो पिछले साल से शुरू हो चुका है बनने। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत दिवस 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया स्वच्छ भारत दिवस का उद्घाटन? अहमदाबाद में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSNL ने किस पेमेंट कंपनी के साथ समझौता किया है? तो BSNL ने अभी हाल ही में पेटीएम के साथ समझौता किया है। किसके साथ? पेटीएम के साथ। तो ये तो थे दोस्तों 69 क्वेश्चंस इस वीक से, यानी कि फर्स्ट वीक से अक्टूबर के। सेकंड वीक की वीडियो जल्द ही आएगी आपके पास। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा, आप अपना स्कोर बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखते हैं आपका कितना स्कोर हुआ, क्योंकि इस वीक मैंने बहुत मेहनत की है आप लोग को रिवाइज़ कराने की। तो आई थिंक मैं आपसे एक्सपेक्ट यही करूँगा कि कम से कम कुछ लोग तो 100% लाएँ ही लाएँ, तो कुछ लोग 100% स्कोर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ईबुक लॉन्च हो चुकी है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, ज़्यादा डिटेल के बारे में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि सितंबर मंथ के 300 प्लस क्वेश्चंस में डिटेल में आंसर किए गए हैं और कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, तो उनको सभी को आप लोग इस ईबुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ईबुक को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीक की अगली करंट अफेयर में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप पहली बार आए हो तो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना डेली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।